गांधी घाट के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। गंगा का पानी सड़क पर जमा हो गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गांधी घाट के मंदिर तक पानी जमा हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गांधी घाट तक आप मंदिर देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जमा हो गया है, और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आखिर हालात क्या है। और गंगा नदी लगातार उफान पर है, जिसके बाद से रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। गांधी घाट के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है, और गंगा का पानी आप देख सकते हैं, तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से सड़कों पर भी जमा हो गया है, जिसे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जल जमाव की समस्या की आप बात करें, देखिए साल दर साल यही स्थिति रहती है। हालांकि दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन उन दावों की जमीनी हकीकत आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजधानी पटना पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, गंगा उफान पर है। गंगा की तस्वीर को देखिए, इस रूप में इसके पहले 2016 में देखा गया था, अगस्त का महीना था। ठीक कुछ उसी तरीके से इस बार भी गंगा है जो उफान पे है, और उसी तरीके से पानी का जो जलस्तर है गंगा का, वो बढ़ रहा है। देखिए गांधी घाट की तस्वीर है, गांधी घाट में जो यह नज़ारा देखने को मिल रहा है, मैं जहाँ पे अभी खड़ा हूँ, दरअसल ये सड़क है, गंगा घाट का जो स्वच्छा बांध है उसके अंदर तक पानी घुस रहा है। देख लीजिए यहाँ पे किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अभी इस जगह पे देखिए पूरे घुटने कह लीजिए कि जो नीचे का जो कम से कम 5 से 6 इंच पानी है वो जमा हो गया है, और गंगा का जो जलस्तर है वो इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। अब जब गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में देखिए तस्वीर यहाँ पे क्या कुछ होती है। गंगा गांधी घाट पे यदि आप आते होंगे तो देखते होंगे कि जो मंदिर है, मंदिर के पास देखिए घुटने भर पानी हो गया है। यहाँ पे जो दुकानदार वगैरह हैं, जो लोग हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। यहाँ पे दुकान लगाए हो, पानी में लगाए हुए, कब से बढ़ा है, कब तक, कब से घुसा पानी है? 4 दिन से पानी घुसा है यहाँ रोड पे। 4 दिन से घुसा हुआ है? तो मैं भी बोल रहे थे सुबह में पानी, सुबह में यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन 4 दिन से अंदर पानी घुसा हुआ, फिर चल जा रहा था नाली द्वारा। अच्छा, घट जा रहा था, फिर आ जा रहा था। तो अभी सुबह में क्या हुआ? सुबह में पानी का बैग बढ़ा है, यहाँ रोड पर आया है। अच्छा, रोड पे आ गया है। देखिए सुबह से एक पानी है वो यहाँ तक आ चुका है। दरअसल ये दुकान लगाते हैं, देखिए आगे तस्वीर दिखाता हूँ किस तरीके से। ये जो मंदिर है, मंदिर के पास देख सकते हैं तकरीबन घुटने भर जो पानी है वो आ गया है। अब बस मंदिर में भी पानी है वो घुसने की स्थिति में है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे काफी पानी है, घुटना भर से ज्यादा मैं चला गया हूँ। देख सकते हैं ये जो गांधी घाट की तस्वीर है, 2016 में अगस्त का ही महीना था, लेकिन आज आपको 10 अगस्त है, लेकिन वो 10 अगस्त है, लेकिन जो अगस्त का जो लास्ट वीक था उसमें पानी रिकॉर्ड स्तर पर गया था। तो कुछ उसी तरीके से पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। बाबू कहाँ से आए हो? कंकड़बाग से आए हैं जी। पानी इस तरह से देखे थे पहले? नहीं, इसके पहले कभी नहीं देखे थे। तो यहाँ पे क्या पूजा पाठ करने आए थे या घूमने आए थे? घूमने आए थे, थोड़ा मंदिर है तो पूजा भी कर लेंगे। तो अब तो घूमना बंद हो जाएगा पानी है तो? हाँ, बच्चों को दिखाने आए थे कि कैसा है। क्या गंगा देख रहे हो? हाँ, पानी बहुत है, डर लगता है? थोड़ा मोड़ा डर लगता है। देखिए जो बच्चा है, परिवार है, जो आए हैं, घुटने भर पानी है, बाढ़ के सामने सब कुछ फीका होता है, ठीक वही नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। जी हाँ, वाकई जलस्तर बढ़ गया, और लोगों के लिए देखिए ये चिंता का सबब बन चुका है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ गंगा घाट से नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, देखिए आपने वहां लोगों से भी बातचीत की, स्थितियों को देखा, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जानना चाहेंगे कितना खतरे के निशान से ऊपर, और वहीं स्थितियां क्या बनी हुई है, किस तरह से प्रशासन वहां पर लोगों के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि आप समझिए कि पानी तो आप देख ही रहे हैं कि रिहायशी इलाकों तक घुस चुका है, आगे ऐसी स्थिति रही तो और मुश्किल हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो खतरे के निशान के ऊपर है वो 1.12 मीटर है, यानी 1 मीटर 12 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है। यह दरअसल अभी इस साल का सबसे ज्यादा
जो पानी है वो देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से जहाँ पे लोग घूमने आते थे, मॉर्निंग वॉक करने आते थे, वहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। देखिए यहाँ पे अभी घुटने भर पानी में मैं टहल रहा हूँ। आगे देखिए किस तरीके से इधर हैं जो लोग हैं वो नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल रही है कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से शिथिल दिख रही है, क्योंकि जब खतरे के निशान से ऊपर है, गांधी घाट के ऊपर पानी बह रहा हो, ऐसे में कोई पुलिस बल वगैरह तैनात यहाँ पर नहीं है जिससे कि इन लोगों को रोक सके, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। अब देखिए व्यवस्था क्या किए गए है जिला प्रशासन की ओर से, जो बालू के बोरे हैं वो लगा दिए गए हैं कि ये जो गंगा घाट का सुरक्षा बांध होता है उस पे बोरे लगाए गए हैं कि इससे ऊपर पानी ना जाए। लेकिन यह बोरा है वो कहीं ना कहीं कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको यह भी तस्वीर दिखाऊंगा आगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो जल है वो आगे निकल चुका है, सड़क पे निकल चुका है। अभी भी इसके पहले भी तस्वीरें में दिखाया था। दरअसल इस तरह का जो पानी है वो 2016 में देखने को मिला था, जब रिकॉर्ड स्तर पे इस घाट पे दर्ज किया गया था। और कह लीजिए एक संयोग बस देखिए कि उस वक्त भी मैं जब पहुंचा था 21 अगस्त 2016 का वो वक्त था, जब इस जगह पे जहां ये मंदिर देख रहे हैं, जहां पे अभी घुटने भर पानी है, इस जगह पे गंगा की जो धार थी वो बह रही थी बहुत तेज से। तो ठीक उसी तरीके से आने वाले जो समय होगा कहीं ना कहीं बिहार सरकार और जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। देखिए जो गंगा घाट के हम अब उस जो सुरक्षा बांध है उसके उस साइड जा रहे हैं, यानी सड़क जो तस्वीरें ही मैं दिखाया था, देखिए सड़क पे किस तरीके से गंगा का जो पानी है वो पहुंच चुकी है सुरक्षा बांध लगाने के बाद, बोरा बांध लगाने के बाद। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ियों को धो रहे हैं। बिल्कुल नवजीत, तो हम देख रहे हैं स्थिति को, तस्वीरों को भी, कि देखिए कितना मुश्किल हो रहा है और जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। अब देखना होगा किस तरह से प्रशासन इसके लिए और कदम उठाती है, लेकिन लोगों के लिए वाकई चिंता वाली बात। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।